छोटे छोटे आके तुम पीछे बहुत यहाँ पे क्वारंटाइन में थे हम, हमें तो लाया गया था 14 दिन के लिए, लेकिन 14 दिन की वजह हमें 19 दिन हो गए यहाँ पर। तो टेस्ट कब किया गया आपका? हमारा टेस्ट आज से 2 दिन पहले किया गया, हमारा टेस्ट सारा नेगेटिव निकले, सब के सब नेगेटिव आए, टेस्ट साफ है सबका। यहाँ पे कैसी अरेंजमेंट थी आपको रहने के लिए, चाहे खाने के हवाले से अगर बात करें? हर तरह से अच्छा अरेंजमेंट जो था, स्टाफ जो यहाँ हमारे साथ था वो अच्छा तालमेल था, हमारा भी उनके साथ अच्छा तालमेल था, सफाई के एतबार से या खाने के एतबार से हर तरह से। अलबत्ता दिक्कत यह थी कि हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे थे, उनके घर वाले परेशान थे, उनकी माएं परेशान थी, उन्हें वहां से आ रही थी, उस परेशानी से हम थोड़े परेशान थे। तो बाकी यहाँ के स्टाफ ने अच्छा हमारे साथ ताल्लुक रखा था। आप किसी जमात के साथ गए थे? हम उड़ी इज्तमा में थे, 19 मार्च को हमारा इज्तमा था उड़ी में, तो वहाँ उनमें से एक को ले गए जावेद भाई हैं सुल्तान डकी के, उनको ले गए तो वो नेगेटिव निकले थे, उसके बाद उसका टेस्ट हुआ तो वो भी पॉजिटिव आया, वो भी घर में, जिसकी वजह से हमें लिया गया था वो आई ठीक है बिल्कुल, वो घर में बैठ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तबलीगी जमात के साथ गए थे लेकिन अब वो छुप रहे, वो अपने आप को क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं। देखो हम छुपे नहीं, हमें खाली इन्फॉर्मेशन तहसीलदार, उसने तहसीलदार साहब ने या एसएचओ साहब ने नेट पे छोड़ा, तो हमने जो ही सुना कि जो इज्तमा में थे हम खुद आ गए, हमें कहा गया कि आपका खाली ये टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए हमें बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू हम यहाँ पे रोका गया, फिर हमने 14 दिन गुजारे, फिर उसके बाद टेस्ट चलते रहे हमारे, अब टेस्ट तो सबके साफ आ गए, तो आई गवर्नमेंट कह रही है कि छोड़ देंगे आपको। आपकी क्या अपील है उन लोगों के लिए जो अभी भाग रहे हैं, जो बाहर से आए हैं या निजामुद्दीन गए या और कहीं पे गए थे लेकिन अब वो क्वारंटीन नहीं कर रहे, वो छुप के बैठे हैं? नहीं, जिनको गवर्नमेंट जैसे कानून है कानून के साथ तो हमारा तालमेल है, हम हर उन भाइयों से भी कह रहे हैं कि जो जा चुके हैं वो भी आकर अपने टेस्ट कराएं, टेस्ट कराना तो सबके लिए सेफ्टी की बात है, घरों में रह जो जहां भी रह रहे अपने घरों के अंदर रहे, बाहर ज्यादा ना घूमे, मार्केट के अंदर ना जाए, जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है गवर्नमेंट के साथ हम भी तालमेल रखेंगे, तो ये तो हमारे लिए हो रहा है। चलो आपका बहुत शुक्रिया। मैं फियाज गिंगल से हूँ। तो कब आप यहाँ पे क्वारंटीन होते हैं? हम 4 तारीख को क्वारंटीन करवाए गए थे, तो अभी तक फिलहाल यहीं पे हैं, आज हमें छोड़ रहे हैं यहाँ से। तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है? ट्रैवल हिस्ट्री हमारी जो थी, हम उड़ी में एक इज्तिमा हुआ था, वहाँ पे पॉजिटिव केस आया था, उसकी बेस पे हमें यहाँ पे लाया गया था, यहाँ पे हमें रखा गया 14 दिन, तो अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं हम। तो उस इज्तिमा में किन का इज्तिमा था और वो कितने लोग थे वहाँ पे, कितनी गैदरिंग थी ऑलमोस्ट वहाँ पे? कुछ 120 आदमी थे उनकी सबकी गैदरिंग, वो सारे के सारे यहाँ पे क्वारंटीन करवाए, उनमें से कुछ छोड़े गए हैं तो कुछ आज छोड़ रहे हैं। तो अरेंजमेंट कैसे किए गए थे यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंजमेंट जो था वो काफी अच्छा था, हमें सारी फैसिलिटी खाने में बाकी जो चीज पानी वगैरह मिला, जो भी हमें मतलब यहाँ पे जरूरत था वो सब कुछ अच्छे से लिया। तो आपकी क्या मैसेज है उनके लिए जो कह रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे क्वारंटीन, कुछ निजामुद्दीन गए थे वहां से, अब आके वो छुप गए हैं, क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं खुद, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए ये उनकी खुद सेफ्टी है, छुपना नहीं है, तो जो भी जिसकी भी कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री है वो छुपे ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टेक्ट करें, अपने आप को क्वारंटाइन करवाएं। बाकी निजामुद्दीन से आकर तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई छुपे आकर, जो भी है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री वो अपने आप को यहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर रहे हैं। का नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम नसीर खान है, मैं धनी सईदा में रहता हूँ। तो आप कहाँ गए थे, क्या ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी? मैं ट्रेवल हूँ, मैं गाड़ी लेके गया था इधर उड़ी में, वहाँ इज्तिमा था, वहाँ पे खाना बनाने के लिए हम गए थे वहाँ पे, फिर वापस आए जब घर में, तो इन्होंने फोन करके बोला कि जाओ जो इज्तिमा में गए थे वो मुंबई क्वारंटाइन के लिए आ जाए, वहाँ पे स्क्रीन हो गई, हम स्क्रीन के लिए यहाँ पे बंद कर दिया इन्होंने, यहाँ पे 14 दिन के लिए बंद किया था, आज तो 19 दिन हो गई, आज छोड़ा नहीं, अभी हमारा नेगेटिव आया हुआ था, आज छोड़ रहे हैं। ओके
तो यहाँ कैसे अरेंजमेंट किए गए थे? अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, हम अच्छा तरह रहे। हम यहाँ पे खाना पीना अच्छा मिला, रहने भी अच्छा मिला, हमें बाथरूम भी अच्छा, सब कुछ हमारी फसल की थी, अल्लाह की फसल से। तो आपकी क्या मैसेज है उनके लिए जो अभी भाग रहे हैं या क्वारंटीन नहीं कर रहे खुद को? सबके लिए मैसेज ये चाहता हूँ कि सब जितने भाई है मेरे जहाँ जहाँ भी आए हुए हैं वो खुद आए, खुद आकर अपना टेस्ट करवाएं, कोई मसला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह की फजल से सब ठीक है। तो अपना टेस्ट करवाएंगे तो ठीक निकलेगा, अल्लाह की फजल से भागे मत किसी से, तो खुद जाके आप अपना टेस्ट करवाएं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह की फजल से वहाँ पर टेस्ट करवाएं, उसके बाद अपने घर में आराम से बैठेंगे। छुपने से क्या बनेगा उनका, अब जहां तक भागते रहेंगे तो क्या बनेगा उनका, कुछ नहीं बन सकता। इसलिए मेहरबानी करके वो अपने अपनी जगह पे जहाँ पे भी हैं फोन करके वो जगह। लेकिन देखा गया कि जो दहली निजामुद्दीन गए थे वहां से कुछ लोग छुपे हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, छुप के बैठे हैं वो, हम क्वारंटीन नहीं जाएंगे उनका कहना है, सामने नहीं आ रहे, उनके लिए क्या है आपकी तरफ से मैसेज? नहीं, उनको चाहिए कि वो सामने आए और आ गए अपने जिस तरह तबलीगी जमात को क्यों बदनाम कर रहे हैं, वो आए सामने आए। हमने कोई अल्लाह के फजल से, ये बीमारी तो अल्लाह की तरफ से थी, अपने हमारे साथ तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है। अल्लाह के फजल से जो भी आया है वो साफ निकल रहा है, जिसका टेस्ट अगर पॉजिटिव भी आता है 10 दिन 5 दिन के बाद उसका फेस बहुत निगेटिव आ जाता है। सब बारे मेरे भाई जहां भी छुपे हो, कहां भी हो, किसी जगह भी हो, अपने सामने आ जाओ, कोई मसला नहीं है। खाने पीने की अच्छी जगह, सब कुछ अच्छा, रहना पीना बैन में वहां पे पटाई करके निकालेंगे क्या फायदा रहेगा, तो होगी बदतमीजी करना, ऐसा ऐसा मसला हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप खुद ही आकर इस्तेमाल करेंगे, क्वारंटीन के लिए आ जाए, आप खुद चलना है उसके बाद चले जाना है फिर। थैंक यू। 20 तबलीगी जमात के हमारे भाई यहाँ पे जेएनवी शाहपुर के हॉस्टल्स में क्वारंटीन में, इनकी आज मुदत मुकम्मल हुई, इनको हम आज छोड़ रहे हैं। इनके टेस्ट भी नेगेटिव पाए गए हैं और आज ये अपना क्वारंटीन मुकम्मल करके अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा एक खुशखबरी हमारे लिए है कि हमारे जो पहले 6 पॉजिटिव केसेस साबित हुए थे तो उनमें से 5 अभी तक हमारे रिपोर्ट्स नेगेटिव उनके इस वक्त आ रहे हैं, तो शायद उनको आज घर जाने की इजाज़त इंशाल्लाह मिलेगी।